So hello everyone, welcome to Rank Secure IAS Academy's course History Optional Crash Course. Mera naam Gautam Lakhani hai and this course is presented by me. As you all know, in this course we are covering each and every topic of History Optional in a way of crash course. Iske andar hum paper 1 aur paper 2 ke sare topics ko jo hai discuss karne wale hain crash course ke way mein. Theek hai? और अगर बात करें आज के सेशन की तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेशन, एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर दैट, इट इज़ अबाउट अन अकेडमी समिट जो कि चल रहा है फिलहाल. ये एक 3 डे का समिट था जो कि 26, 27 और 28 जून को हुआ होना था और 2 दिन इसके हो चुके हैं. 28 जून है आज लास्ट डे है इसका. अगर इस समिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये समिट है बेसिकली आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जिसका इनॉग्रेशन जो है करा था श्री प्रणब मुखर्जी ने, दैट इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, उसके अलावा जो है साथ साथ अगर मैं बात करूं और जो लीडर्स आए उन लोगों ने भी आकर के वेरियस सेशंस ये डिस्कशंस करे. और एट प्रेजेंट डॉक्टर शशि थरूर का जो है इसमें चल रहा है वर्कशॉप, डिस्कशन उनका चल रहा है. इसमें क्या है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी को हेल्प आउट करेंगे आपके कि किस तरीके से आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर के चलें, किस वे में जो है आप चीज़ों को मैनेज करें. साथ साथ जो है आपको लीडरशिप क्वालिटीज, एज यू ऑल नो एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप क्वालिटीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन लीडरशिप क्वालिटीज को आप खुद लीडर कैसे बने, वो सब क्वालिटीज आपके अंदर कैसे आए, उनके बारे में डिस्कशन होगा. और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अन अकेडमी जो है आपका एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है, यानी हाउ अन अकेडमी इज बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो ऑल दीज थिंग्स गोइंग टू बी डिस्कस इन दिस समिट. प्लीज गो योर सेल्फ एंड रजिस्टर फॉर फ्री. ठीक है, वर्कशॉप्स और इन डिस्कशंस का पार्टिसिपेट फायदा उठाइए आप. सो अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग अप विद द सेशन इज दैट अन अकेडमी इज कमिंग अप विद द 3 मेगा बैचेस, ओके, विच विल हेल्प यू इन कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी 2021. और ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 29 जून, यानी कि मंडे से, अब कल से ही जो है ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. प्लीज़ जाइए, अपने आप को इन बैचेस में एनरोल करिए. अगर इन बैचेस के फीचर्स के बारे में बताऊँ मैं आपको थोड़ा सा, तो इनके अंदर होगा आपका फुल सिलेबस कवरेज, साथ साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी विद एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगा. सेम फीचर्स के साथ जो है हिंदी जीएस बैच कोर्स भी है और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स भी है, यानी कि बायलैंग्वल हिंदी और इंग्लिश 3 तरह के कोर्सेज हैं हमारे पास. जो भी आपको सुटेबल लगे अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन गो योरसेल्फ एंड एनरोल इन दीज बैचेस. और हमारा कोड जो है रेफरल कोड, इस कोड को अगर आप यूज करेंगे दैट इज रैंक 10, बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन. ओके, रैंक 10 कोड को आप यूज करें और सब्सक्राइब करें. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर टुडे सेशन विच इज अबाउट मेगालिथिक कल्चर. तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में. ओके, तो मेगालिथिक कल्चर अगर आज के सेशन की बात करें तो हम देखेंगे पहले मेगालिथिक कल्चर को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के मेगालिथ्स थे, उसके बाद थोड़ा सा हम उनकी सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानेंगे इनकी, और चीज़ों के बारे में जाएंगे कि कैसे इनका लाइफस्टाइल था उस टाइम पे. फिर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से फाउंडेशन बने पेनिनसुलर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, साउथ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर. ठीक है गाइज, एक बार बता दीजिए प्लीज़ कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर है कि नहीं, आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेशन, बात करेंगे मेगालिथिक फेज की. अगर इस मेगालिथिक फेज का हम डिस्कशन करें, थोड़ा सा समझें इसको, टाइम स्पैन को देखें इसके, तो माना जाता है ये 1000 BC से है. बिफोर दैट मैं एक चीज आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो कोर्स है ये क्रैश कोर्स है हिस्ट्री ऑप्शनल का. ठीक है, यानी कि आपको इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल में भी हेल्प होगी आपकी और जर्नल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से भी जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उसमें भी आपको हेल्प होगी. और अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं मेरे, तो उसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के मेरे प्रीवियस सेशंस को भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये शुरू हुआ था कब से, मेगालिथिक फेज का टाइम स्पैन क्या माना जाता है, 1000 BC के अप्रॉक्स इसको माना जाता है स्टार्टिंग टाइम इसका. और अगर आज की बात करें, प्रेजेंट डे स्टेट्स जो है हमारी तमिलनाडु की और केरला की और कुछ एरिया आ जाता है ईस्टर्न आंध्र प्रदेश का, तो इन सब एरियाज में जो है क्या था, मेगालिथिक कल्चर था एंशियंट टाइम पे, प्री हिस्टोरिक टाइम पे. ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहा एंशियंट साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, जो ये पीरियड रहेगा मेगालिथिक टाइम से लेकर के 300 AD तक का, यानी कि मेगालिथिक टाइम से लेकर के संगम एरा तक का जो टाइम रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंदर. अगर बात करें मेगालिथ की, तो क्या मतलब है मेगालिथ का,
समझें इसको हम थोड़ा सा। मेगालिथ का मतलब होता है बिग स्टोन्स, मेगा मीन्स बिग, ठीक है, लिथ मीन्स स्टोन, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, दैट इज बिग स्टोन, यानी कि मेगा प्लस लिथ इक्वल्स टू बिग स्टोन। तो मेगालिथ जो है उसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है बिग स्टोन्स, और बिग स्टोन्स को ही जो है इन बड़े पत्थरों वाले कल्चर को जो हमें देखने को मिला उसको हमने एसोसिएट करा है किसके साथ, मेगालिथिक कल्चर के साथ हमने उसको एसोसिएट करा है। इस कल्चर की अगर खास बात के बारे में आपको बताऊं तो इनका तरीका, किस चीज का तरीका, बरियल प्रैक्टिस करने का तरीका जो है इनका, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश था इस टाइम पर, ठीक है। सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर जो था इनका वो था बरियल प्रैक्टिस इन लोगों की, ठीक है। जो ये बरियल्स करते थे, ये लोग ये करते थे हैबिटेशन एरिया से थोड़ा दूर जा करके, यानी कि जैसे अगर आपको प्री हिस्टोरिक कंटेम्प्रेरी इंडिया की याद होगी, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, या जब हमने इससे पहले नियोलिथिक फेज को जाना था, तो हमने पढ़ा था कि किस तरह के से कई जगह पर जो एग्जांपल्स मिले हैं वो बरियल्स के घर के अंदर ही मिले हैं, बिटवीन द लॉबी जो उनका एरिया होता था उसके अंदर ही मिले हैं। बट जो मेगालिथिक कल्चर है साउथ इंडिया का, इसके अंदर क्या होती थी, जो बरियल्स कराए जाते थे उनको हैबिटेशन एरिया से दूर जा करके बरी करा जाता था, यानी कि बट इन द सेटलमेंट उनको बरी नहीं करा जाता, हैबिटेशन एरिया में उनको सेटल बरी नहीं करा जाता था। अगर बात करें अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर की इस टाइम के, तो इस टाइम पे हमें काफ़ी सारी मिली हैं आयरन टूल्स मिले हैं देखने को, ठीक है, और ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो है वो इस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस है, अलॉन्ग विद द डिस्टिंग्विश्ड बरियल प्रैक्टिसेस इस टाइम की। तो ये जो तीन हैं, ये आयरन टूल्स, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, साथ साथ इनकी डिफरेंट काइंड ऑफ बरियल टेक्निक्स, ये क्या है, तीन आइडेंटिफाइंग फीचर है मेगालिथिक कल्चर के। जो मेगालिथिक कल्चर था साउथ इंडिया के, उसके तीन आइडेंटिफाइंग फीचर हैं ये। अगर आप थोड़ा सा मैप में समझें तो ये जो डार्क वाला एरिया है, इस जगह पर जो है मेगालिथिक कल्चर हमें देखने को मिला है इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हमारे, ठीक है। तो ये शुरू हो जाते हैं काफ़ी हद तक ईस्टर्न आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु आ गया और केरला वाला पार्ट आ गया इसके अंदर, मॉडर्न डे की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इस जगह का, ओके। अगर देखें हम इसको, तो अगर मैं आपको एक अंदाजन बताऊं आपको थोड़ा सा, तो आप ये देख रही हैं गोदावरी नदी जा रही है, देखो ये ऊपर, तो ये जो कल्चर था बेसिकली ये साउथ ऑफ गोदावरी रिवर था, ठीक है। हालांकि कुछ और जगह पर भी जो है हमें नियोलिथिक मतलब मेगालिथ्स देखने को मिले हैं, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो गया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया या नॉर्थ में हो गया, हल्का फुल्का थोड़ी जगह पर और भी हमें मेगालिथ्स देखने को मिले हैं, बट जो मेगालिथिक कल्चर है, ठीक है, उसको माना जाता है, उसको एसोसिएट कराया जाता है किसके साथ, साउथ इंडिया के साथ। वहाँ पर किस तरह के से प्री हिस्टोरिक पीरियड रहा आयरन एज के साथ साउथ इंडिया की, वहाँ पे जो आयरन टूल्स यूज हो रहे थे, ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी हो रही थी, इस सब के साथ जो है मेगालिथिक कल्चर को क्या करा जाता है, एसोसिएट करा जाता है इंडिया में, साउथ इंडिया में बेसिकली। तो ये हो गया मेगालिथिक कल्चर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अगर मेगालिथिक कल्चर की हम बात करें कि किस तरह के से कल्चर इवॉल्व कर, अगर आपने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे या अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा हिस्ट्री का, तो सबसे पहले हमने किस एज को डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था आयरन एज को। आयरन एज कौन सी थी, जिसके सॉरी आयरन एज कह रहा हूँ, स्टोन एज को हमने सबसे पहले डिस्कस करा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले हमने डिस्कस करा था स्टोन एज को। स्टोन एज में हमने पढ़ा पैलालिथिक टाइम के बारे में, फिर पढ़ा मेसोलिथिक टाइम के बारे में, फिर पढ़ा नियोलिथिक टाइम के बारे में, ठीक है, और समझा कि किस तरह की सोसाइटी जो है डेवलप कर रही है, इवॉल्व कर रही है। नियोलिथिक एज के बाद आए चैल्कोलिथिक कल्चर्स, यानी कॉपर्स का यूज होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आई ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज यानी हड़प्पन टाइम वाली जो एज है, टाइम पीरियड है, उसको माना जाता है ब्रॉन्ज एज, जिसमें ब्रॉन्ज का यूज होता था। फिर आई आयरन एज। तो आयरन एज का जो पीरियड है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया से बात करूं, तो आयरन एज को नॉर्थ इंडिया में रेखा गया है वैदिक टाइम के साथ, किसके साथ, वैदिक टाइम के साथ माना जाता है, ओके, वैदिक टाइम के साथ, आर्यन के आने के साथ। और अगर साउथ इंडिया की बात करें हम, तो मेगालिथिक कल्चर्स के साथ जो है किसको, आयरन एज को देखा जाता है, दैट इज बिफोर द संगम एरा, ठीक है। तो आयरन एज इंडिया के अंदर साउथ और डेक्कन में जो है, और साथ में नॉर्थ में जो है, दो पार्ट्स में होता है आयरन एज हमारे इंडिया के अंदर डिवाइडेड है, वैदिक पीरियड और मेगालिथिक पीरियड। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में। तो अगर इसके बात करें इसके एवोल्यूशन की, तो माना जाता है कि जो मेगालिथिक कल्चर है उनके अंदर क्या है, एब्रप्ट चेंज आया नियोलिथिक स्टेज से सीधा आयरन स्टेज के ऊपर, यानी कि जो साउथ इंडिया के कल्चर्स थे या सेंट्रल इंडिया के नीचे वाले जो एरियाज आ गए, जब आपको ध्यान हो हमने नियोलिथिक स्टेज में पढ़ा था, साउथ इंडिया में डिस्कस करा था हमने, पढ़ा था कि किस तरह के से सोसाइटी जो एक सेडेंटरी फॉर्म में जा रही थी, यानी कि एक तरह के स्थाई सेटलमेंट्स के तौर पर वो लोग अपना जीवन व्यापन करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और नोमैडिज्म को उन्होंने छोड़ दिया था, यानी कि अब वो घुमक्कड़ पशुपालक नहीं थे, वो क्या थे, एक सेडेंटरी सेटलमेंट्स की फॉर्म में आ रहे थे नियोलिथिक एज में।
तो जैसे जैसे वो आए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर धीरे धीरे करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि चैल्कोलिथिक एज में एग्रीकल्चर काफी ज्यादा हुआ, प्रॉस्पर हुआ, बट अगर साउथ इंडिया की बात करें हम तो माना जाता है कि यहाँ पर कोई चैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज आई ही नहीं। इन लोगों ने क्या करा, सीधा सीधा नियोलिथिक एज से ये लोग किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, आयरन एज में ये लोग ट्रांसफर हो गए। ठीक है, इसके भी काफी सारे अपने रीजंस हैं। अगर बात करें इसके कॉन्सेंट्रेशन की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया ईस्टर्न आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में जो है ये कॉन्सेंट्रेट है, आप साथ में मैप में भी देख सकते हैं आपके राइट साइड पर। और इसका जो टाइम स्पैन माना जाता है उसको माना जाता है 1000 BC के अप्रॉक्स। इंडिया के अंदर आयरन कब आया, 1000 BC से उसको माना जाता है। ठीक है, ऊपर देखें हम नॉर्थ की बात करें तो वैदिक जब आर्यन इन्वेजन हुआ तब आया, और अगर साउथ की बात करें तो मेगालिथिक कल्चर्स के तौर पर जो है यहाँ पर आयरन एज एस्टैब्लिश हुई साउथ इंडिया के अंदर। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में और आयरन एज के बारे में। ठीक है, तो जो ये इन्होंने लास्ट कब किया, 1000 BC से लेकर ये फर्स्ट से लेकर 5th century BC तक तो है ये रहे, मेगालिथिक कल्चर रहा। उसके बाद क्या आ गया, संगम एरा आ गया, तो जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। अगर बात करें क्लासिफिकेशंस की, अलग अलग तरह के जो है ये मेगालिथ्स होते थे। मेगालिथ्स का मतलब क्या होता था, बरियल्स, यानी कि बड़े जो पत्थर जो बरियल्स होते थे, ठीक है, बरी साइट्स होती थी जहाँ पे डेड बॉडी को बरी किया जाता था, उनके आसपास या उनके ऊपर क्या रख दिए जाते थे, मेगालिथ्स रख दिए जाते थे, यानी बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ये क्या था, उनका डिस्पोजल ऑफ डेड का मेथड था। अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडर्न टाइम के साथ कंपेयर करें तो आप जब देखते हैं, हम थोड़ा क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रेमेशन को देखें, ठीक है, थोड़ा सा आप अगर जाएंगे कभी कब्रिस्तान वगैरह में तो वहाँ पे आप देखेंगे किस तरह के स्टोन्स लगे होते हैं ना, छोटे छोटे, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये जो ग्रेव है ये इस पर्टिकुलर इंसान की है और इसको बिलोंग करती है। इसी तरीके से माना जाता है कि जो ये जो मेगालिथ थे ये उसी वही कल्चर है काफ़ी हद तक पर, लेकिन इसमें मेगालिथ रखे जाते थे, यानी बड़े बड़े टूल्स रखे जाते थे ग्रेव्स के ऊपर। ठीक है, तो और आज की डेट में क्या है, हमें छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे रखे गए होते हैं। अगर बात करें मेगालिथ्स के बारे में, तो जो मेगालिथ्स हैं इनके क्या होते थे, डिफरेंट फीचर्स होते थे, यानी अंदर और बाहर से जो है अलग अलग बरियल फीचर्स होते थे साइट्स के। कुछ डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस भी हमें देखने को मिले। अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आता है मेनहिर। मेनहिर का मतलब है, ये यूज होता है वर्ड किधर, वेस्टर्न यूरोप में जो है इसका वर्ड माना जाता है। इसका लिटरल मीनिंग की बात करें हम, तो इसमें इसका लिटरल मीनिंग है सिंगल अपराइट स्टोन इरेक्टेड, यानी कि अगर आप अपने राइट में देखें तो ये देखिए सीधा किस तरह के से स्टोन जो है बड़ा विशाल मेगालिथ जो है खड़ा है। ठीक है, माना जाता है कि इसके आसपास ये किस चीज को कॉमेमोरेट करता था, कि इसके आसपास ये पिलर कॉमेमोरेट करता था कि इसके आसपास क्या है, बरियल स्पॉट है, यानी कि किसी डेड बॉडी को बरी किया गया है इसके आसपास, तो ये इस चीज को क्या करता था, कॉमेमोरेट करता था। ओके, तो ये हो गया कुछ इनके मेनहिर्स के बारे में। अगर आगे चलकर के बात करें अलग टाइप के देखें, तो वो आ जाते हैं डॉलमेन। डॉलमेन कौन से हैं, आपको ये दिख रहा होगा, डॉलमेन क्या थे, ये लार्ज कैपस्टोन रखी जाती थी दो और मोर स्ट्रक्चर के ऊपर। ये देखो बड़ी कैपस्टोन रखी गई है, कितना बड़ा पत्थर है, और किसको सपोर्ट, इसको दो या तीन पत्थरों से इसको सपोर्ट दिया गया है। माना जाता है कि इस एरिया में जो ये वाला एरिया है यहाँ पे क्या है, डेड बॉडी बरियल है। तो अगर आप इसको प्रेजेंट टाइम के साथ थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखें, इसको करें इसकी सिमिलैरिटी, तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है, टॉम्ब की तरह से। आज भी क्या होता है डेड टॉम्ब्स में, ठीक है, जो हमने टॉम्ब हमने पढ़ेंगे हम आगे चल करके मुगल टाइम से बनने शुरू हुए जो, तो उन टॉम्ब्स में क्या देखा जाता है, डेड बॉडी बरीड होती है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है, टॉम्ब स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बना दिया जाता है, डॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, वो अभी उस तरह के से आर्किटेक्चर तो नहीं हो रहा, बट उसको एक ये माना जा रहा है कि इनिशियल स्टेज था ये टॉम्ब का, यानी कि बरियल चैम्बर का एक इनिशियल स्टेज था, जिसको बड़े कैपस्टोन के साथ ढक दिया जाता था और दो स्टोन्स जो है उसको सपोर्ट करते थे। इसके अलावा है सिस्ट। सिस्ट का क्या है कि ये कफिन लाइक बॉक्स है, ठीक है, स्टोन बिल्ड का कफिन लाइक बॉक्स है। देखो आप, ये यहाँ पर क्या है, गड्ढा कर दिया, इसके अंदर दफन कर दिया और उसके ऊपर ये क्या रख दिया, बड़ा पत्थर रख दिया इस तरीके से। तो ये क्या रिजेंबल कर रहा है, कफिन को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के से जो है बहुत तरह के इन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है बरी करा जाता था डेड स्कोस टाइम पर, मेगालिथ्स की हेल्प से रिजेंबल करा जाता, कॉमोमरेट करा जाता था उनको। तो ये हो गए कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे मेगालिथ्स। ठीक है, अब बात करेंगे इन मेगालिथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेगालिथिक बरियल्स, किस वे में जो है ये हमारे को हेल्प आउट करते हैं प्री हिस्टोरी उस टाइम की जानने में,
जैसे कि आप सबको पता है कि प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, लैकिंग ऑफ रिटन सोर्सेज, यानी उस टाइम की कोई रिटन सोर्सेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही हैं हमारे पास। तो जब मेगालिथिक बरियर्स को हमें मिले तो इनसे हमें काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स भी इनके साथ हमें मिले, और उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट कर दिया, हमारी स्टडी में हेल्प आउट कर दिया मेगालिथिक टाइम की स्टडी को, कल्चर को जानने के बारे में। ठीक है, अगर आप देखें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो लेटर पैलालिथिक पीरियड के टाइम से ही क्या हो रहा था, इंटेंशनल बरियल हो रहा था। इंटेंशनल बरियल का मतलब क्या है, एक प्रॉपर तरीके से डेड बॉडी को बरी करना, एक बरियल प्रैक्टिस उसकी फॉलो अप करना। ठीक है, यानी उसकी डेथ के बाद किस तरह के उसके डेड बॉडी को डिस्पोज करा जाए, तो ये शुरू हो गया था लेटर पैलालिथिक टाइम से ही शुरू हो गया था ये। और माना जाता है कि जो जिस तरह की से मेगालिथिक बरियल्स थे, तो मेगालिथिक पीपल भी जो है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं थे, ये भी क्या कर रहे थे, ओल्ड एज के कस्टम्स को जो है फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये क्या कर रहे थे, बरी कर रहे थे, और साथ में क्या रखते थे कि जो डेड बॉडीज होती थी या जो ग्रेव्स होती थी उनको फर्निश करते थे। किन चीज़ों से, एसेंशियल चीज़ों से जो है ये फर्निश करते थे उनको, जो भी वो लोग अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि जो भी उनकी चीज़ें डे टू डे लाइफ में वो यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों के साथ जो है वो डेड बॉडीज को क्या करते थे, बरी करते थे। और इस प्रैक्टिस को हिस्टोरियंस ने माना है कि ये प्रैक्टिस किस चीज़ के साथ डील कर रही है, आफ्टर लाइफ ऑफ द डेड, यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है एक। इस कल्ट को बोला जाता है कल्ट ऑफ डेड, जो लोग इस बिलीफ में विश्वास रखते हैं उनको बोला जाता है कल्ट ऑफ डेड को वो बिलोंग करते हैं, यानी कि आफ्टर लाइफ, कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इस चीज़ के लिए जो है इतनी सारी फर्निशिंग उनके साथ करी जाती थी कि आगे चल करके भी जो ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पे यूज करते हैं, आगे चल करके भी इनको डे टू डे लाइफ में हेल्प आउट करेंगे ये ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इन लोगों को के पास क्या थी, सुटेबल प्लेसेस थी रहने के लिए। ठीक है, यानी कि ये सेडेंट्री फॉर्म में रह रहे थे, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो बरियल से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो पता लगता है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये लोग यूज़ करते थे अपनी एसेंशियल नीड्स के तौर पर, और डे टू डे लाइफ में जो है उसका यूज़ करते थे ये लोग, ओके, एसेंशियल नीड्स के तौर पर। और उसके अलावा अगर बात करें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, क्या क्या फर्नीचर हमें मिला है इस टाइम पे, तो सबसे पहले अलग अलग तरह की पॉटरी मिली है, बहुत सारी पॉटरीज मिली हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें दफन करी जाती थी साथ में, फर्निश करा जाता था उनको, तो वो किस में रख के करी जाती थी, पॉटरीज में रख के करी जाती थी, यानी गढ़ों वगैरह में रख के उनको बरी किया जाता था। साथ साथ जो हमें काफ़ी सारे वेपन्स मिले हैं, इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जो वो लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे, और ज़्यादातर ये एलिमेंट्स इम्प्लीमेंट्स बने होते थे आयरन के, यानी कि ये सबसे ज़्यादा आयरन हमें यहाँ पर मिला है। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में हमें मिले हैं कॉपर के और ब्रॉन्ज के टूल्स, यहाँ पर मिल रहे हैं हमें आयरन के। हालांकि कुछ टूल्स जो हैं कभी कभी स्टोन के भी देखने को मिले हैं और कॉपर के भी देखने को मिले हैं, बट बहुत ही रेयर, बहुत ही लिमिटेड वे में आयरन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिस वजह से मेगालिथिक कल्चर को एसोसिएट करा जाता है किसके साथ, आयरन एज के साथ, साउथ इंडिया के अंदर। उसके अलावा डे टू डे लाइफ में जो लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो भी मिले हैं, जैसे कि बीड्स, टेराकोटा फिगरिंस हो गए, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गए, गोल्ड, कॉपर शेल, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं वहाँ से। इनके अलावा फूड की बात करें, क्या हम चीज़ों को खाते थे वो लोग, तो हमें पैडी हस्क मिले हैं देखने को, शॉफ मिला है देखने को, और अदर तरीके के सीरियल्स भी देखने को मिले हैं। साथ साथ जो है एनिमल्स के स्केलेटल रिमेन्स भी हमें मिले हैं इन ग्रेव्स से। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह की वो चीज़ें डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे, किस तरह की उनका ड्रेसिंग स्टाइल था, सोशल लाइफ थी, ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, क्या खाते थे, जो सीरियल्स वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें उस टाइम के बारे में जानकारी मिलती है, और मेगालिथिक बरियल्स जो हैं वो यह हमें हेल्प आउट करती हैं उस टाइम की हिस्ट्री को समझने में। सो गाइस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर कंटिन्यूइंग, दैट इट इज़ अबाउट अनअकैडमी प्लस। एज यू ऑल नो, जो अनअकैडमी है वो एक अपना अलग से प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, अनअकैडमी प्लस, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी के लिए, जर्नी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो इसके अंदर आपको 6 to 12 एनसीईआरटी कराई जाएंगी, इकोनॉमी कोर्स मिलेगा आपको, फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स मिलेगा, पॉलिटी कोर्स मिलेगा, साइंस एंड टेक कोर्स मिलेगा, सब कोर्सेज को जो है आप अनअकैडमी प्लस पर एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स के आगे, वो होती है नोट्स की, कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाएँ, किस तरीके से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करा जाए, तो आपको उसकी भी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराएगा 5,000 पेजेस के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, जो कि सब जीएस सब्जेक्ट्स के होंगे। उसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप भी मिलेगी व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू। आप हमारे मेंटोर जैसे कि आरती मिश्रा मैम, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं।
उसके अलावा जो है आपको स्टैंडर्ड से भी बुक्स का कंपाइलेशन भी मिलेगा जो यूपीएससी में हेल्पफुल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पर एक्सेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, इससे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मत भूलिएगा हमारा रेफरल कोड जो कि है रैंक 10, अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे रैंक 10 और इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो 10% का अमाउंट बहुत होता है जैसे कि आप सब लोगों को पता है। तो प्लीज़ गो योर सेल्फ एंड एनरोल टू अनअकैडमी प्लस एंड यूज़ आवर रेफरल कोड रैंक 10 फॉर 10% डिस्काउंट। कोई भी क्वारीज हैं तो इस नंबर के ऊपर कॉल करिए 8727053008। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे मेगालिथिक लाइफ के बारे में, किस तरीके की लाइफ वो लोग जीते थे, ठीक है। अब तक हमने समझ लिया थोड़ा सा मेगालिथ को, पढ़ लिया उनके बारे में, थोड़ी नॉलेज मिल गई कि इस एज में है, कहाँ उनकी लोकेशन है ज्योग्राफिकल, किस टाइम को बिलोंग करते हैं। अब मेन चीज आ जाती है लाइफ, कि किस तरह की सी उन लोगों की लाइफ थी। ओके, तो लाइफ जो है समझना किसी भी टाइम की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोसाइटी की। अगर मेगालिथिक साइट्स की बात करें तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, अब ये लोग सेडेंटरी सेटलमेंट्स में आ गए थे, ठीक है। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को इन्होंने क्या कर दिया था, शुरुआत में करते थे बट अब नहीं करते थे इस टाइम पे, लेटर स्टेज पर जाकर के इन्होंने बंद कर दिया था करना। माना जाता है कि जो इस टाइम की कम्युनिटीज़ हैं वो अर्ली आयरन एज का जो है बिलोंग करती हैं साउथ इंडिया में, और वहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिला है कि इस चीज़ का, एग्रीकल्चर का और हंटिंग फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री का। यानी कि जैसे कि हमने नियोलिथिक टाइम में पढ़ा था, जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया था इंडिया के अंदर नियोलिथिक टाइम में, तो नियोलिथिक टाइम में एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद क्या हुआ, चीज़ें एक तरह की सेटल्ड वे में आ गई, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आ गया लोगों का। तो वही चीज़ हमें यहाँ मेगालिथिक सोसाइटी में भी देखने को मिली, इन लोगों ने एग्रीकल्चर को कंटिन्यू तो रखा ही रखा, साथ में जो है हंटिंग फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री भी करने लग गए ये। जिस वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे ये लोग सेडेंट्री सेटलमेंट्स में आए, ठीक है, घुमक्कड़ पशुपालन नहीं, पालक नहीं रहे ये, तो क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे आकर के क्या करना शुरू करा, क्राफ्ट ट्रेडिशंस को भी डेवलप करना शुरू करा, ठीक है। और हमें एग्जांपल मिलता है इनके सेडेंट्री मॉन्यूमेंट्स के लिविंग का, इन्हीं सब फीचर्स से जो है हमें अंदाज़ा मिलता है। तो ये हो गया इनके लाइफस्टाइल के बारे में कि किस तरीके से रहते थे ये लोग और किस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस करते थे, क्या इनका लाइवलीहुड था, यानी कि एग्रीकल्चर हंटिंग फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री इनका लाइवलीहुड का पार्ट था। और इनिशियल स्टेज पे जो है नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे ये, बट लेटर ऑन जाकर के इन्होंने क्या था, सेडेंट्री मॉन्यूमेंट्स में आ गए थे, सेडेंट्री फॉर्म ऑफ सेटलमेंट में लोग आ गए थे। गाइस कोई भी क्वेश्चन है आपका प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ओके, सो अब बात करेंगे इनकी इकोनॉमी के बारे में कि किस तरह की चीज़ें होती थी, किस तरह से अपना लाइवलीहुड को मैनेज करते थे। सबसे पहले आ जाता है एग्रीकल्चर हमारा, एज यू ऑल नो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम की इकोनॉमी पे, ठीक है, बेसिस है वो इकोनॉमी का। तो क्या हो रहा है, जो ये एग्रीकल्चर जब आया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो इस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग एडवांस मेथड्स के इरीगेशन एग्रीकल्चर के हमें देखने को मिले, इंट्रोडक्शन मिला उनका मेगालिथिक साइट्स पर। जैसे कि आप सबको पता है मेगालिथिक डेवलप हुआ किस एरिया में, साउथ ऑफ द गोदावरी रिवर। और अगर आप उस एरिया की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कितनी सारी रिवर्स आ जाती हैं, भीम रिवर आती है, कृष्णा रिवर आती है, तुंगभद्रा आती है, उसके अलावा जो है पेन्नार रिवर आती है, कावेरी आती है, और बहुत इतनी सारी रिवर्स जो आती हैं वहाँ पर। इन लोगों ने क्या किया, एक डिफरेंट एडवांस लेवल का जो है इरीगेशन सिस्टम डेवलप करा, इन्होंने इंट्रोडक्शन करा किस चीज़ का, टैंक इरीगेशन का जो इन्होंने इंट्रोडक्शन करा। आज भी टैंक इरीगेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में आप सब लोगों को पता होगा। तो माना जाता है कि मेगालिथिक पीपल ने ही जो है टैंक इरीगेशन का शुरुआत करी इनिशियल स्टेज में, और ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंज था एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये इन्होंने काम करा, ये इनका डिस्टिंक्ट फीचर है, टैंक इरीगेशन इन लोगों का डिस्टिंक्ट फीचर है। अगर बात करें इन लोगों के प्रोड्यूस की, क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, तो ये सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस जो हैं ये लोग ग्रो करते थे, और रागी के भी कुछ एग्जांपल्स मिले हैं हमें पायमपल्ली से, जो कि एक इम्पॉर्टेंट साइट है। ओके, उसके अलावा अगर बात करें राइस की, तो राइस इनका एसेंशियल इरिगेशन क्रॉप माना जाता है, और इनका स्टेपल फूड जो है राइस ही माना जाता है। अगर आप आज भी साउथ इंडिया में देखें तो राइस उनका आज भी जो है एक स्टेपल फूड है, वो डे टू डे लाइफ में राइस बहुत ज़्यादा मतलब कंज्यूम करते हैं। और राइस के एग्जांपल हमें कहाँ से मिले, संगम लिटरेचर ने भी उसको अटेस्ट करा है कि राइस जो है साउथ इंडिया की क्या है, एक मेन क्रॉप है। काफ़ी सारे राइस हस्क हमें देखने को मिले हैं कहाँ से, कुर्ग और खापा से, जो कि कर्नाटका के अंदर है, और साथ साथ हल्लूर से भी देखने को मिली है हमें रागी की कुछ ईल्ड्स।
तो इस तरीके से हमें उस टाइम की इरिगेशन एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ साथ जो है कुछ रीजनल वेरिएशंस भी थी क्रॉप्स की जो भी ग्रो करी जाती थी साथ में, और काफ़ी जगह से हमें पेस्टल्स और ग्राइंडिंग स्टोन्स भी मिले हैं मेगालिथिक साइट से, ठीक है। तो जिससे हमें पता लगता है कि ये लोग ग्रेनाइट के ग्राइंडिंग स्टोन्स जो है यूज़ करते थे। वो कहाँ से हमें मिले हैं? एक सिस्ट से मिले हैं, यानी कि एक बरियल से मिले हैं, ग्रेव से मिले हैं। कहाँ पर? माचड़ में। ये किधर पड़ता है? केरला के अंदर पड़ता है। तो इससे हमें पता लगता है कि वो लोग ग्राइंडिंग स्टोन्स का भी जो है डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें साइट्स की लोकेशन की, तो जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था, इन साइट्स का लोकेशन कहाँ होता था? नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग कहाँ रह रहे थे? नॉर्थ इंडिया में लोग रह रहे थे नियर द रिवर, वाटर सोर्सेज के पास रह रहे थे। सेम जो है वो लोग यहाँ भी, इनकी लोकेशन जो है यहाँ भी कहाँ है? वाटर सोर्सेज के पास ही है, या एग्रीकल्चर सोर्सेज के पास ही है। तो इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर का एग्जिस्टेंस था उस टाइम पर, ये लोग करते थे। अगर बात करें जो यहाँ पर ग्रेवली लैंड्स थे, यानी कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, लोकेशन थी ग्रेव्स की, वो थे अनप्रोडक्टिव फुट हिल्स, जहाँ पर खेती नहीं कर पाते थे। फुट हिल्स थी जो, या कुछ रॉकी एनक्रोचमेंट्स थी जहाँ पर पत्थर वगैरह होते थे बहुत ज़्यादा, जिन जगहों पर इरिगेशन करना, एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल है या मुश्किल है कहें हम। तो इन अनप्रोडक्टिव फुट हिल्स में जो है ग्रेव्स को दफन किया जाता था, बरी किया जाता था। माना जाता है कि इन लोगों का बिलीफ था कि जो डेड है उसकी जो स्पिरिट है, यानी कि जो उस डेड बॉडी की स्पिरिट है, वो इनका गार्ड है। किस चीज़ का गार्ड है? वो इनको गार्ड करेगा, इनकी चौकीदारी करेगा। किस चीज़ में? इनकी प्रॉस्पेरिटी लाने में, इनकी फील्ड्स के अंदर, इनकी एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस वजह से देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो डॉलमेंस हैं वो फील्ड्स के बीच में भी देखने को मिले हैं। किधर? उत्तरामेरूर में। ये किधर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो ये भी एक इनका बिलीफ था। ये सब हो गया इनकी एग्रीकल्चर लाइफ के बारे में। अगर बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, तो हमें काफ़ी सारे जो है एनिमल बोन्स का अकरेंस मिला है, वहाँ से काफ़ी सारी बोन्स मिली हैं वाइल्ड की भी और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ की भी, एनिमल्स की। तो जिससे पता लगता है कि ये लोग डोमेस्टिकेट भी करते थे और हंटिंग भी करते थे। जिसमें कि अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उसमें मिले हमें कैटल, शीप, गोट, डॉग, पिग, हॉर्स, बफेलो, फॉल, एज एक्सेट्रा, ये सब जो है हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले हैं वहाँ से। वहीं अगर हम बात करें कैटल की, जिसमें बफेलो इंक्लूड है, वो उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो है वो डोमेस्टिकेट करा जाता था। अगर इसके पीछे बात करें डोमेस्टिकेशन के पीछे की वजह की, तो जैसे कि नोमैडिक नियोलिथिक टाइम्स में हो रहा था कि कैटल कीपिंग का, और एक पैस्टोरलिस्ट कल्चर था उस टाइम पर, वो कल्चर जो आगे भी चल करके कंटिन्यू रहा। और साथ साथ जो है हमें इसका पता लगता है किसका? अकरेंस का पता लगता है। किस चीज़ का? पिग रियरिंग का और पोल्ट्री का जो है हमें पता लगता है आगे चल करके, कि स्मॉल स्केल पर ये भी करी जाती थी कुछ साइट्स पर। तो ये हो गया इनके डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। अब बात करेंगे हंटिंग और फिशिंग की। अगर देखें हंटिंग की, तो हंटिंग जो एक नेचुरल वे था और फूड सप्लाई का इन लोगों की, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है इक्विपमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे एरो हेड्स देखने को मिले हैं, स्पेयर्स देखने को मिले हैं, जेवलिन्स देखने को मिले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें काफ़ी सारी देखने को मिली हैं, जिससे पता लगता है कि हंटिंग करी जाती थी जानवरों की। और उसके अलावा स्केलेटल रिमेन्स भी मिले हैं हमें वाइल्ड एनिमल्स के, ठीक है। तो इन सब से हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो हंटिंग एनिमल्स है, एनिमल्स को हंट करना, ये उनकी लाइफ का क्या था, एक डाइट्री सिस्टम का क्या था, पार्ट था ये, यानी कि इन चीज़ों को वो कंज्यूम करते थे। वहीं अगर बात करें फिशिंग की, तो फिशिंग का एग्जाम्पल हमें मिलता है डिफरेंट टाइप ऑफ, जो हमें टेराकोटा नेट स्किन्स देखने को मिली हैं एक्सकेवेशंस के अंदर टकल घाट से। और उसके अलावा जो हमें फिश हुक्स देखने को मिले हैं खापा से, टांगल से, ये, और उसके अलावा स्केलेटल रिमेन्स भी मिले हैं हमें फिशेस के, यलेश्वरम से। तो ये सब चीज़ें उस टाइम की फिशिंग कल्चर को क्या कर रही हैं? रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उस टाइम पर फिशिंग भी कराई जाती थी, क्योंकि जो फिश हुक्स हैं वो बहुत लार्ज नंबर में हमें कहाँ से मिले हैं? मेगालिथिक ग्रेव्स में से भी मिले हैं, तमिलनाडु वाले पार्ट से। तो इस वजह से हमें पता लगता है कि वो लोग एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के साथ साथ, हंटिंग के साथ साथ जो है फिशिंग भी वो लोग करते थे, और एग्रीकल्चर तो उनकी सोसाइटी का, इनकी इकोनॉमी का बेस था ही था। तो ये हो गया उनकी कुछ लाइफ के बारे में। अब बात करेंगे टूल्स के बारे में। आप सबको पता है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उसके अंदर टूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो टूल्स हैं ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है मेगालिथिक कल्चर्स का, बिकॉज ये आयरन के बने हुए हैं। कंटेम्प्रेरी जगह में कौन से हैं टूल्स? कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, तो वहाँ पे अभी कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ हो रहा है, और साउथ इंडिया में आ गए हैं आयरन टूल्स मेगालिथिक कल्चर में। और इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, यानी हर तरीके से एक ही तरीके के यूनिफॉर्म लेवल पर जो है ये टूल्स बनाए जा रहे हैं पेनिनसुला के अंदर। अगर बात करें इन आयरन टूल्स की, इनके अंदर है एक्सेस, क्रॉस क्रॉस स्ट्रैप्स,
इस तरह के, आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये सब तरह के जो टूल्स हैं ये लोग यूज़ करते थे। ये देखिए अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जो ये लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे, आयरन के बने हुए थे ये। वहीं अगर बात करें आयरन की जो टूल्स का यूज़ करना है और वेपन्स का यूज़ करना है, वो आयरन एज के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर माना जाता है। इस एज को आयरन एज इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स एट दिस टाइम, ठीक है। तो हालांकि इसके अलावा कुछ कल्चर हमें नहीं इस टाइम पे जो रिटन रिकॉर्ड मिलता, ठीक है। और अगर बात करें हम कि प्री हिस्टोरिक की, तो हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता जैसे कि आप सबको पता है। बट लेटर मेगालिथिक टाइम में, यानी कि जब बहुत आगे चल करके, जब मेगालिथिस का काफ़ी टाइम हो गया था, 500-600 साल बाद, इस टाइम पर हमें देखने को मिला है कि लिटरेचर भी लिखना शुरू हो गया था। ओके, मतलब पता चला है इस चीज़ का। तो इससे हमें पता लगता है कि जो मेगालिथिक पीरियड है ना, वो क्या है, एक पॉइंट का मार्क करता है। किस पॉइंट को मार्क करता है वो, जहाँ पर प्री हिस्टोरी खत्म हो रही है और हिस्ट्री शुरू हो रही है, यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्री हिस्ट्री खत्म हो रही है और हिस्ट्री शुरू हो रही है। तो मेगालिथिक इज अ दैट पॉइंट ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द मेगालिथिक टूल्स। अब बात करेंगे मेगालिथिक टाइम की पॉटरी के बारे में, किस तरह की पॉटरी ये लोग यूज़ करते थे। तो ये लोग यूज़ करते थे ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, जो कि एक डिस्टिंक्ट पॉटरी थी मेगालिथिक कल्चर की। और वही इसमें भी यूनिफॉर्मिटी थी पूरे पेनिनसुला में, अलग अलग शेप्स में थी, कॉनिकल शेप हो गई, लूप्ड लिड्स हो गई, कार्निवेटेड कैरिनेटेड वेव्स हो गए, वेसेस हो गए, और उसके अलावा बाउल्स हो गए, डिशेस होंगे अलग अलग। तो इस तरह की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरीज है ये लोग यूज़ करते थे। और इन कुछ जो पॉट्स होते थे उनके ऊपर लिड्स भी होती थी, यानी कि ढक्कन भी होते थे, और उनको जो है डेकोरेट करा जाता था बहुत ही फाइन तरीके से। उसके ऊपर बर्ड्स और एनिमल्स की शेप्स वगैरह बना करके जो है इनको क्या करा जाता था, डेकोरेट किया जाता था। और माना जाता था कि ये क्या है, सेरेमोनियल वेयर्स थे, यानी कि इनको सेरेमोनीज के टाइम पे यूज़ किया जाता था डिफरेंट। तो जितनी भी ये पॉटरी थी, ये क्या कर रही है, फाइन फैब्रिक से बनती थी और एक क्ले से बनती थी, सैंड से नहीं बनती थी, एक क्ले से बनती थी। तो जो एक इसका डिस्टिंक्ट फीचर हो जाता है, ठीक है, बनाया जाता था इसको लो टेम्परेचर के ऊपर, काफ़ी सारे हमें क्लिन्स देखने को मिले हैं। तो इस वजह से जो एविडेंस की बात करें, कहाँ कहाँ से हमें मिली है पॉटरी, तो ये हमें मिली है पोलाकोंडा से, बेलताड़ा से, उसके अलावा जो है काफ़ी सारी जगहों से और भी मिली है। और ये एक एविडेंस है, इससे हमें पता लगता है, सपोर्टिव एविडेंस है किस चीज़ का, प्रैक्टिस का, कि वहाँ पर उस टाइम पे क्राफ्ट और ट्रेडिशंस की जो है प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। क्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स भी वो लोग प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। इस तरह की से अगर पॉटरी को मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो इस तरह की पॉटरी होती थी। देखो आप, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी आपको ये दिख रही है, जो ये डिफरेंट टाइप्स की पॉटरी है, और इसके साथ क्या लिड भी है ये ऊपर। तो ये पॉटरी थी उस टाइम पे ब्लैक एंड रेड वेयर, जो बहुत ज़्यादा चरण में थी मेगालिथिक कल्चर के टाइम पे, और ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है उस टाइम का। और हमें बताता है ये कि उस टाइम पर आर्ट्स वगैरह जो है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, यानी कि उन लोगों ने आर्ट्स का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें पॉटरी एक मेन चीज़ है। अब बात करेंगे ट्रेड और एक्सचेंज की, कि उस टाइम पर ट्रेड कैसे कर रहे थे वो लोग और एक्सचेंज कैसे कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो लोग एक सेडेंटरी लाइफ में आ गए थे, यानी कि जो उनका सेटलमेंट का तरीका था, रहने का तरीका था, वो क्या था, अब सेडेंटरी हो चुका था। तो सेडेंटरी तरीका हो गया रहने का, ठीक, एक जगह पर रहने लगे, एग्रीकल्चर वो लोग करने लगे। उसके साथ क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, क्राफ्ट्स वगैरह का भी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें पॉटरी वगैरह आ गई। तो जिस चीज़ों ने क्या करा, इनके ट्रेड में जो है इनको फैसिलिटेट करा, ठीक है। अब ये बहुत आराम से ट्रेड भी कर सकते थे। अगर बात करें इनकी साइट्स की, तो हमें वहाँ से पता लगा है कि जो साइट्स हैं वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो है बहुत बड़ा वहाँ पर सेंटर हमें देखने को मिला है, जिसको हमने लिंक करा किसके साथ, नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज के साथ, यानी कि उस टाइम पर ट्रेड और एक्सचेंज करा जाता था। और जो बहुत सारी मेगालिथिक सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है मेन ट्रेड रूट्स के पास ही जो है अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के, वहीं पर जो है सेटल्ड थी, उनकी लोकेशन थी। तो इसलिए भी माना जाता है कि लोग ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन था। और उसके अलावा जो एक्सकेवेशन है, यानी कि जो बरियल्स मिले हैं हमें, उनसे नॉन लोकल आइटम्स भी मिली हैं, यानी कि जो आइटम्स यहाँ पर होती ही नहीं थी साउथ इंडिया में, वो भी हमें देखने को मिली हैं। तो इससे पता लगता है कि ये लोगों की एक्सचेंज एक्टिविटीज़ थी दूसरे लोगों के साथ भी मेगालिथिक टाइम पे। जैसे कि बात करें कार्निवियल बीड्स की, तो माना जाता है कि वो कोस्टल साइड से आती थी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जो कुछ जगह पर ब्रॉन्ज मिला है देखने को, कॉपर देखने को मिला है, और उसके अलावा देखने को मिले हैं टिन वगैरह, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं से आए थे इन जगहों पर। तो इस वे में हमें पता लगता है कि ये लोग ट्रेड और कॉमर्स भी जो है उसमें, ट्रेड और एक्सचेंज के अंदर भी जो है इन लोगों का पार्टिसिपेशन था। वहीं बात करें इनकी सोशल लाइफ के बारे में, कि किस तरह के इन लोगों की सोसाइटी थी, किस तरह से लोग रहते थे। तो सोशल लाइफ के बारे में हमें जानकारी जो मिली है, हमें वो मिली है कि इनसे, इनके
आरएनए सोसाइटी की जो जानकारी मिली है मेगालिथिक पीपल की, वो हमें मिली है बरियल टाइप से। डिफरेंट बरियल टाइप से हमें पता लगता है कि वो लोग होमोजेनस सोसाइटी नहीं थे, दे वर नॉट अ होमोजेनस एंटिटी, जो उनकी सोशल लाइफ थी वो होमोजेनस नहीं थी। ठीक है, वहां पर हमें डिफरेंट तरीके के जो है बरियल्स देखने को मिले हैं, अलग अलग तरीके के, जिससे पता लगता है कि एक डिफ्रेंसिएशन था किन चीज में, लोगों के बरियल में, रैंकिंग में, यानी स्टेटसेस में क्या था, डिफ्रेंसिएशन था। अगर बात करें कुछ बरियल्स की, तो बहुत बड़े बड़े बरियल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्पैरिटीज बता रहे हैं हमें उस टाइम के एट्रीब्यूट की, कि लोगों का किस तरीके से रहना सहन था और किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल थी। तो उनके बारे में काफ़ी सारी डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रही है इंडिविजुअल्स की बीच में, मेगालिथिक बरियल से जो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर बात करें इनके जो एलैबोरेटिव बरियल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट बरियल्स थे, जैसे कि आ जाते हैं मल्टी चैम्बर्ड रॉक कट टॉम्स जाले, जो हमने अभी पीछे देखे थे काफ़ी साइड से जो हमें मिले हैं, उनमें से हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं किसके, ब्रॉन्ज और गोल्ड के भी मिले हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट है, वहाँ पे काफ़ी सारी और चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें दूसरी तरफ, तो कुछ जगह पर जो है हमें सिंपल बरियल्स भी देखने को मिले हैं। ठीक है, उन सिंपल बरियल्स में जो है हमें काफ़ी थोड़े आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं, बहुत कम वैरायटी देखने को मिली है, यानी कि उनमें हाई क्वालिटी की चीज़ें कम देखने को मिली हैं। तो इस तरीके से जो बरियल्स थे वो अलग अलग तरीके के बरियल्स होते थे, और अलग अलग तरीके की क्या है हमें क्वालिटीज़ देखने को मिली हैं गुड्स की, सेरामिक गुड्स की जो है। ठीक है, यानी कि जो लार्ज बरियल्स होते थे उनमें किस तरीके के गुड्स होते थे, जो सेरामिक गुड्स हैं उनके अंदर से मिले हैं बहुत फाइन गुड्स मिले हैं, हाई क्वालिटी के मिले हैं। वहीं जो नॉर्मल बरियल्स हैं उनमें क्या है, थोड़े छोटे तरीके के मिले हैं, यानी कॉमन गुड्स मिले हैं। तो ये क्या बता रहे हैं हमें, ये सजेस्ट कर रहे हैं हमें किस चीज़ का, कि उस टाइम की जो सोसाइटी है उनके बीच में डिफरेंसेस थे लाइफस्टाइल को लेकर के, और उसके अलावा जो ये लोग थे कहाँ रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, और इनकी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन भी थी। ओके, हालांकि ये लोग अभी अर्बन लाइफ में नहीं आए थे, बट इन्होंने धीरे धीरे जो है अपने अपने आप को ग्रेजुअली ये लोग इवॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हमें बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स का हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें देखने को मिली है गैंगेटिक वैली में। ठीक है, वो चीज़ का यहाँ पर अभाव है। वहीं अगर बात करें इन लार्ज साइज की पॉपुलेशन की, तो माना जाता है कि इनका कम्युनिटी वर्क था, यानी कि सब लोग मिल करके काम करते थे, क्योंकि जिस तरीके से और लेबर थी, मैनुअल लेबर थी उस टाइम पर, तो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसी चीज़ का, चाहे वो ग्रेव्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, सिस्ट वगैरह का, और इन सब चीज़ों के लिए क्या है, या वाटर कोर्सेज का कंस्ट्रक्शन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, कम्युनिटी वर्क करते थे ये लोग, मैनुअल लेबर मिल करके काम करते थे चीज़ों को बनाने में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जो हमें लार्ज पॉपुलेशन के बारे में कैसे पता लगता है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे जो है साइट्स मिली हैं, न्यूमरस ग्रेव्स मिली हैं, यहाँ पर बहुत सारी ग्रेव्स मिली हैं जिसके अंदर कभी कभी 20 से लेकर के ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी जो हैं दफन करे गए हैं, उनको भी बरी करा गया है। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि वो लोग काफ़ी लार्ज नंबर में रहते थे, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हो गया उनकी थोड़ा सा सोशल लाइफ के बारे में। ठीक है, तो सोशल लाइफ हो गई ये। अब बात करेंगे इस टाइम के मेगालिथिक कल्चर्स के बारे में, कि किस तरह की से मेगालिथिक कल्चर क्या बना, फाउंडेशनल फेज बना किसमें, पेनिनसुलर इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। अगर बात करें मेगालिथिक की, तो मेगालिथिक के बाद कौन से आ गए, एकदम संगम एरा आया। तो माना जाता है कि जिस तरह के संगम एरा, संगम डायनेस्टीज जो है निकल करके आई, उन्होंने इतने ज्यादा प्रॉस्पर करा, फ्लरिश करा, तो वो किस वजह से है, मेगालिथिक कल्चर की वजह से ही है। एक मेगालिथिक कल्चर जो है उसका फाउंडेशन माना जाता है उस फेज का। अगर मैं 2015 के पेपर की बात करूं, तो 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाउ मेगालिथिक कल्चर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द संगम एरा, यानी कि मेगालिथिक कल्चर का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा। तो वही हम इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से फाउंडेशन बना ये मेगालिथिक कल्चर आगे के पेनिनसुलर साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी कि ये लोग इसमें सेडेंट्री लाइफ में रह रहे थे। ठीक है, यहाँ से बिगिन हो चुकी थी सेडेंट्री लाइफ, और ये लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे। तो ये लोग किस तरीके से ये एक सब्सिस्टेंस पैटर्न की लाइफ जो है जी रहे थे, यानी कि ये लोग डिपेंडेंट नहीं थे किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट थे, एक सब्सिस्टेंस लाइफ जी रहे थे ये। उसके अलावा जिस तरीके से हमें आयरन का यूज़ देखने को मिलता है, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आयरन देखने को मिलता है, तो पता लगता है कि ये लोग मेटलर्जी की इन लोगों को नॉलेज थी। ठीक है, और उसके साथ साथ है इन लोगों ने काफ़ी सारे क्या बनाए, आर्टिफैक्ट्स बनाए उसके, जैसे कि यूटेंसिल्स बनाए, वेपन्स बनाए, कारपेंट्री टूल्स बनाए, इम्प्लीमेंट्स बनाए, जिसमें सिकल्स आए, होज आए, कल्टर्स आए, इन सब ने आकर के क्या किया, ट्रेडिशंस को और ज़्यादा डेवलप करा। अब आप देखिए, पहले जो है
यूज हो रहे थे एग्रीकल्चर टूल्स वो होते थे लकड़ी के बने हुए, तो वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। बट जैसे ही आयरन आया तो आयरन से क्या हुआ, जो जमीन की खुदाई है यानी कि एग्रीकल्चर के टाइम जब वो खोदना है जमीन को, उसके अंदर बोने के टाइम पर, जब बुवाई के टाइम पर काम करा जाते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चरल टूल से क्या हुआ, ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो काम करा गया। तो आयरन के यूज से भी जो है ट्रेडिशंस को जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट मिली उस टाइम के मेगालिथिक कल्चर को। वहीं बात करें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉटरी की, तो हमें काफी सारी पॉटरीज जो है जिसमें कि ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो है, और उसके अलावा बीड मेकिंग के एविडेंसेस भी जो है हमें काफी जगह से देखने को मिले हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये लोग क्या है, क्राफ्ट मेकिंग में भी थे, यानी कि सिडेंटरी लाइफ के साथ साथ ये क्राफ्ट वगैरह भी कर रहे थे, ट्रेड और एक्सचेंज भी कर रहे थे। उसके अलावा जैसे बात करी हमने मेटलर्जी के, उसमें डेवलपमेंट की बात करी, तो हमें लोकल स्मेल्टिंग के, आयरन की लोकल स्मेल्टिंग के एग्जाम्पल कहाँ से मिले हैं, पायमपल्ली से मिले हैं जो कि कर्नाटका के अंदर है। तो यहाँ से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटलर्जिक टेक्निक्स के बारे में पता लगता है कि इन लोगों को जानकारी थी, जिसने क्या करा, हेल्प करी इनके डेवलपमेंट के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेडेंटरी लाइफ से ये लोग ट्रेड में भी जो उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था, और जो मेगालिथिक साइट्स हमें देखने को मिली हैं काफ़ी ज़्यादा, वो उनकी जो लोकेशन मिली है हमें वो मिली है ट्रेडिंग नेटवर्क्स के आसपास, ट्रेडिंग रूट्स के पास। तो माना जाता है जो मेगालिथिक साइट्स थी किस चीज़ का सेंटर थी, और क्राफ्ट प्रोडक्शन का, और लिंक था इनका किसके साथ, ट्रेड और एक्सचेंज के साथ इनका लिंक था, नेटवर्क के साथ उसके साथ। तो इससे हमें पता लगता है कि ये लोग ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे इनकी लोकेशन की वजह से और इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन की वजह से। वहीं बात करें रॉक पेंटिंग्स की, तो काफ़ी सारी हमें पेंटिंग्स मिली है, जैसे कि हमने भीमबेटका वगैरह की नॉर्थ में पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था, मध्य प्रदेश में उस टाइम की लाइफ के बारे में हमें बताते हैं, हड़प्पन्स की लाइफ के बारे में बताती हैं काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह। तो जो पेंटिंग्स थी ये मेगालिथिक साइट्स की, इन पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स जो है डिपेक्ट हो रखे हैं, जैसे कि फाइटिंग सीन्स हो गए, कैटल रेड्स हो गई, हंटिंग सीन्स हो गए, इन सब से जो है हमें उस टाइम की लाइफ के बारे में पता लगता है और चीज़ों के बारे में पता लगता है। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया लार्ज पॉपुलेशन में रहते थे, मैनुअल वर्क करते थे, तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था, चाहे वो मेगालिथ से रिलेटेड हो चाहे वो वाटर सोर्सेस से रिलेटेड हो, तो सब लोग ये कम्युनिटी वर्क में काम करते थे, यानी कलेक्टिव रूप में काम करते थे। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना इनके सोशल और कल्चरल लाइफ का, जिस वजह से क्या हुआ, इस मेगालिथिक कल्चर ने क्या करा, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराई संगम एरा को डेवलप होने में, संगम एरा के एनहेंसमेंट में, उसके डेवलपमेंट में। सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ द मेगालिथिक कल्चर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पेनिनसुलर इंडियन हिस्ट्री, यानी साउथ इंडिया की हिस्ट्री में मेगालिथिक कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बात करें टाइम पीरियड की, जैसे मैंने आपको बताया 1000 BC से जो है ये शुरू हो गया है, और इसकी जो इन्फ्लुएंस रही ज़्यादा वो रही 500 से लेकर के 400 BCE तक जो है इसकी इन्फ्लुएंस रही। उसके बाद जो है आ गया था संगम एरा, जिसके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि किस तरह के संगम एरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चोल चेर पंड्या जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी वो इंपॉर्टेंट रहीं इस टाइम पर, और उन्होंने डेवलपमेंट किया गिदर साउथ इंडिया के अंदर। सो जो मेगालिथिक कल्चर है इसने एक रॉक प्रोवाइड कराया, फाउंडेशन बेस प्रोवाइड कराया इसकी डेवलपमेंट के अंदर। सो दिस वॉज अबाउट द टूडे सेशन गाइज। आज की बात करें, आज हमने देखा मेगालिथिक कल्चर्स को पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, टूल्स के बारे में पढ़ा, किस तरह की इकोनॉमी थी, सोशल लाइफ थी, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, किस तरह के जो ट्रेड में इन्वॉल्व थे वो, उनकी बरियल प्रैक्टिसेस को हमने समझा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेगालिथ्स देखे, और उसके बाद जो है हमने डिस्कस करा कि किस तरह के लोग फाउंडेशन स्टोन थे डेवलपमेंट में, किसकी, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के डेवलपमेंट में। सो दिस वॉज अबाउट द टूडे सेशन। अगर कल के सेशन की बात करें हम, तो कल हम डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, आर्यंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नोट्स की बात करूँ मैं, अभी बीच बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट नोट्स, तो ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो बिफोर एंडिंग देयर इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द UPSC समिट, जो कि अभी अन अकेडमी समिट है, UPSC की प्रिपरेशन में आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगी। 3 दिन का समिट था ये, जिसमें 26-27 निकल चुका है, सिर्फ आज का लास्ट डेट है 28 जून। तो प्लीज़ जाइए समिट में, अपने आपको रजिस्टर करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपनी UPSC प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा अन अकेडमी प्लस इज कमिंग अप विद द 3 मेगा बैचेस, जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, UPSC 2021 के लिए। ये बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं 29 जून से, सो प्लीज़ डोंट लेट, जाइए और अपने आपको एनरोल करिए इसमें, और हमारा रेफरल कोड यूज़ करिए रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज़ करने से जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। कोई भी क्वेरीज हैं आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ द अन अकेडमी प्लस। अगर मैं बात करूँ फीचर्स की,
तो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी कोर्सेज, मिलेंगे 6 to 12th का इकोनॉमी कोर्स मिलेगा, ज्योग्राफी कोर्स मिलेगा, पॉलिटी कोर्स मिलेगा, साइंस एंड टेक कोर्स मिलेगा, साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे सब जीएस पेपर के, और पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिलेगी व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू आरती मिश्रा मैम द्वारा, और उसके अलावा सीएससी की जो जितनी भी स्टैंडर्डाइज बुक है उनका कंपाइलेशन भी मिलेगा। जाइए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने में जो है ट्रांसफॉर्म करिए, और यूज करिए हमारा रेफरल कोड जो कि है RANK10। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। कोई भी क्वारीज हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर 8727053008 इसके ऊपर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं कल। कल डिस्कस करेंगे हम वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक कल्चर को, आर्यंस को पढ़ेंगे, किस तरीके से आर्यंस इंडिया के अंदर आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं 4 बजे @RankSecure IAS Academy's YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।